नमस्कार दोस्तों, वर्ल्ड कप 2019 के 40 मुकाबले समाप्त हो चुके हैं और 40 मुकाबलों के बाद अब हम आपको बताएंगे कि वो कौन सी टीमें हैं जो अभी भी वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में जाने की रेस में बनी हुई है। साथ ही बताएंगे कि वो कौन सी टीमें हैं जो वर्ल्ड कप 2019 से अब बिल्कुल बाहर हो चुकी है, और साथ ही बताएंगे कि कौन सी वो दो टीमें हैं जो इस समय सेमीफाइनल में पहुँच चुकी है। तो दोस्तों, बताएंगे आपको सारी डिटेल में कि कौन कौन सी टीमें अभी भी इस मुकाबले में बनी हुई है। लेकिन उससे पहले दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें। और साथ ही दोस्तों, आप भी चाहते हैं कि टीम इंडिया वर्ल्ड कप 2019 का फाइनल जीते तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम उन टीमों की जो वर्ल्ड कप 2019 से बाहर हो चुकी हैं। तो इसमें आती है सबसे पहले अफगानिस्तान, साउथ अफ्रीका, वेस्ट इंडीज, बांग्लादेश और यहाँ पर श्रीलंका। ये पांच टीमें वर्ल्ड कप 2019 से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और अब इनका सेमीफाइनल में पहुँचने का सपना टूट चुका है। सभी टीमों के अब एक एक मैच बचा हुआ है। वहीं पर श्रीलंका के 8 अंक है, बांग्लादेश के 7, साउथ अफ्रीका के 5, वेस्ट इंडीज के 3 और अफगानिस्तान का कोई अंक ही नहीं है। यानी कि ये पाँचों टीमें इस में वर्ल्ड कप 2019 से बिल्कुल बाहर हो चुकी है और इन टीमों ने सबसे खराब प्रदर्शन किया वर्ल्ड कप 2019 में, जिसके चलते ये टीमें यहां पर बाहर हो चुकी है वर्ल्ड कप 2019 से। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं उन टीमों की जो अभी भी वर्ल्ड कप 2019 के सेमीफाइनल की रेस में बनी हुई है। वो तीन टीमें जिनमें से दो टीमें यहाँ पर सेमीफाइनल में पहुँच जाएगी। तो बात करें इनके बारे में, तो तीन टीमें हैं पाकिस्तान, न्यूजीलैंड और इंग्लैंड। तीन ही टीमों में से यहाँ पर दो टीमें इस समय सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। अब वो कौन सी टीमें होगी, इनका समीकरण हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले बात करें पाकिस्तान के समीकरण की, तो पाकिस्तान अपना मुकाबला जो बांग्लादेश के साथ है वो मुकाबला जीते और फिर न्यूजीलैंड यहाँ पर इंग्लैंड को हरा दे तो ये बड़ी आसानी से सेमीफाइनल में पहुंच जाएगी। अगर इंग्लैंड जीतती है तो फिर ये न्यूजीलैंड बड़ी हार आ जाए और ये बड़ी आसानी से बड़े अंतर से हरा दे बांग्लादेश को, तो ये पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकती है। वहीं पर न्यूजीलैंड चाहेगी कि इंग्लैंड से मुकाबला जीते तो ये सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएंगे। अगर ना जीत पाए तो बड़े कम अंतर से आ रहे ताकि ये अपनी रन रेट प्लस में रख सके। वहीं पर इंग्लैंड को हर हाल में ये मुकाबला जीतना होगा। इंग्लैंड ये मुकाबला जीते ही यहाँ पर सेमीफाइनल में प्रवेश कर जाएगी। तो इस तरह का समीकरण है इन तीनों टीमों का। निर्भर करेगा इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के मैच पर कि कौन सी वो तीसरे और चौथे नंबर की टीम है जो जाएगी सेमीफाइनल में। वहीं पर दोस्तों, बात करें दो टीमों की जो इस समय सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है, वो है इंडिया और इनके साथ है ऑस्ट्रेलिया। दोनों टीमें सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी है। भारतीय टीम 8 मैचों में 13 अंकों के साथ इस समय सेमीफाइनल में प्रवेश किया है। वहीं पर ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पर 8 मैचों में 14 अंकों के साथ प्रवेश किया है। अब भारतीय टीम चाहेगी कि आखिरी मुकाबला श्रीलंका को हराकर नंबर 1 बने। अगर साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया को हरा देती तो टीम इंडिया नंबर 1 बन सकती है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कौन सी टीम नंबर 1 बनेगी, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का।